गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड आपने प्रीवियस क्लिप्स में देख लिया होगा दैट आई एम समवेयर, आई एम इन दिल्ली एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड बिकॉज मैं लाइफ में कभी दिल्ली नहीं आई। लाइक आई हूँ तो वो एयरपोर्ट का एयरपोर्ट से निकल जाना और वो ले ओवर होना इज नथिंग, लाइक वो कंसिडर नहीं किया जाता है। सो ओके, द रीजन बिहाइंड कमिंग हियर इज समथिंग वेरी वेरी स्पेशल। मतलब मैंने YouTube पे एटलीस्ट इस बारे में तो कोई ना हिंट ना बात करी है, तो आई थिंक अभी मेरे को ये चीज़ मतलब अब बोलनी ही पड़ेगी बिकॉज मैं व्लॉग कैसे करूँगी यार। सो वी आर शिफ्टिंग टू अ न्यू हाउस, ऐसे दूसरी सिटी में नहीं, अपनी सिटी में ही, भोपाल में ही, लेकिन शॉपिंग करने के लिए हम दिल्ली आए हैं। तो घर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनकी हम मेनली शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे आए। फर्नीचर ये वो थोड़ा बहुत, मतलब फर्नीचर नहीं, मेन फर्नीचर तो बनाया ही है, लेकिन कुछ मेन जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, टेबल्स, मिरर्स, ये वो डेकोर पीसेस, उसके लिए मेनली हम यहाँ आए ना। हम हेयर फॉर अ वीक, तो हो सकता है कहीं और भी घूमेंगे, थोड़ी बहुत अच्छी शॉपिंग दूसरी भी कर लेंगे अपने मतलब वाली। सो या ये व्लॉग होगा पूरा वीकली एंड ये पूरा हफ्ता थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में आपको दिखाती रहूंगी, ज़्यादा कुछ इलैबोरेटेड नहीं दिखाऊंगी बिकॉज बाद में कुछ टाइम, बस कुछ ही टाइम में हाउस टूर आएगा तो उसमें आप सब कुछ अच्छे से सेट वेट देखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी थोड़ा सा मैं ऊपर ऊपर से आपको दिखा दूंगी। एंड अपने रूम का टूर मैंने आपको दे दिया था, लेकिन शायद हमें शिफ्ट करना पड़ेगा ड्यू टू सम रीजंस। बहुत छोटा सा क्यूट सा बेसिक सा ही है, ज़्यादा बुरा नहीं है, लेकिन इट्स फाइन, लाइक अच्छा है, इतना बुरा भी। गोइंग फॉर लंच बिकॉज वी हैड नथिंग फ्रॉम मॉर्निंग। आगे जाते जा रहे हो, पापा को याद ही नहीं हमको कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल पास में एक बहुत अच्छा होटल है, इट्स कॉल्ड माँ भगवती, एंड अभी तो हमें जो मिल जाए वी हैव टू हैव इट। पापा कह रहे हैं मुस्कान आने वाली थी इसलिए एम्बियंस चेंज कर दिया पूरा। अच्छा है वैसे, आप लोगों ने खाया हुआ है? अच्छे हैं, ट्रस्टेबल जगह पे है, ट्रस्टेबल। एंड नाउ वी आर गोइंग टू मेट्रो स्टेशन एंड आई एम गोना बी सिटिंग इन द मेट्रो ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने तो कभी देखी नहीं है मेट्रो स्टेशन कैसा दिखता है, मेट्रो ट्रेन कैसी, नथिंग। एक्सपीरियंस वॉज गुड, मैं सिर्फ यहाँ इंजॉय कर रही हूँ, परेशान मेरे पेरेंट्स हो रहे हैं बस, पर अच्छा था, मज़ा आई। पहले हम वुमेंस कोच में चढ़ गए थे जो फर्स्ट कोच होता है, उसके बाद के सब जनरल होते हैं, पर हमें किसी ने, भले इंसान ने बता दिया। तो बैक एंड मैं बहुत थक गई, ये नहीं लोग भी थक गए यार, मैं तो छोटी हुई लोग तो फिर भी बड़े हैं तो मतलब थक ही गए होंगे मुझसे ज़्यादा, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी कहीं बाहर जाने की अब दोबारा आने के बाद, जबकि 9:15 हुई होगी है ना। लेकिन पापा ने कहा ठीक है तुम लोग बैठो, मैं लेके आता हूँ, मेरे लिए तो चिकन बिरयानी आ रही है और मम्मी पुलाव उलाव कुछ खाएंगे, अभी हम भेल भी लेके आए, तो मतलब हमारा यहाँ पे अब सॉर्टेड हो जाएगा, इसके बाद हम सीधा सोने वाले क्योंकि हम बहुत थक गए। यहाँ पे मतलब प्रिपेयर्ड ही होके आए थे कि भाई मतलब घूमना तो देखो है ही सही, सब चीज़ें एक्सप्लोर करना है सही गलत ही वो, बट टुडेज डे वॉज रियली रियली गुड। सो या नाउ आई विल मीट यू टुमारो, आई एम वेरी टायर्ड बाय। हेलो, आई जस्ट फॉरगॉट टू स्टार्ट द सेकेंड डे, अभी मेरे को चलते चलते अपने आप को फ़ोन में देखते देखते याद आया। डे वी हैव टू गो फॉर लाइक द लैम्प्स, सॉरी फॉर द लाइटिंग, वेट ओके, फॉर द लैम्प्स एंड द लाइटिंग वाला थिंग्स। सो या लेट्स गो, वी आर लुक क्यूट टुडे। क्या बोला तूने? Our work is done, so here we are in CP Connaught Place and we are searching something to eat and chai chahiye mujhe, to this is a good place, like abhi do din tak hum, matlab aaj bhi dusra hi din hai, but
जैसे हम लोग को मार्केट में काम था तो दैट वाज आल्सो ओके, बट दिस प्लेस इज गुड, इट फील्स एलीट बेसिकली। ये हल्के हैं, लाइट वेट है वैसे, ये भी अच्छा है, ये भी सुंदर है। ये देखो, ये मैं अपने एग्जिस्टिंग वालों में ही घुसा देती हूँ। हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का है, कुछ नहीं होगा। पाँव दुख गए मेरे चल चल के, लेकिन मेरे मम्मी पापा का शॉपिंग का भूत नहीं चल रहा। जहाँ जा रहे हैं, जहाँ खड़े हो रहे हैं, वहाँ कुछ ना कुछ पसंद ना जा रहा है, ले ले रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। चलो खुद ब खुद हो रहे मैग्नेट से। ओके ओके ओके, मैं वही सोचा खुद कैसे ऑपरेट हो रहा है। मैं तो थक गई। नहीं वो कल बोलना चाहिए, मैं तो फिर से थक गई। ओह माय गॉड, आज मुझे पता चला कि मेरे को जो शॉपिंग का शौक है वो कुछ भी नहीं है। मेरे पेरेंट्स को बहुत बहुत ज्यादा शौक है। आई जस्ट शॉपिंग पूरी जो हमने अनएक्सपेक्टेडली करी है, बिना प्लानिंग के है। हमारा लाइट्स वाला भी काम टचवुड बहुत सही से मतलब हो गया, तो इसीलिए हमारे पास टाइम था तो हम लोग निकल गए। एंड अनएक्सपेक्टेडली सीपी में बेसिकली अंदर जो है ना सारे स्टोर्स खाली थे और लोग सिर्फ बाहर से शॉपिंग कर रहे थे, बिकॉज बाहर स्ट्रीट्स पे इतने अच्छे कपड़े मतलब ढूंढने पड़ते हैं ऑफकोर्स, लेकिन अच्छी चीज़ें ये वो इतने सस्ते में मिल रहे थे। एंड अगर आपको ब्रांड की नॉलेज है और अगर आपको कोई ब्रांडेड चीज़ दिख गई उसमें से तो आपकी चांदी ही चांदी है। और अंदर सारे स्टोर्स खाली पड़े, कोई जा ही नहीं रहा, बाहर से ही सब शॉपिंग कर रहे। सिर्फ एक H&M के बैग्स थे जो मैंने मोस्ट ऑफ लोगों के पास देखे। बट या दैट वाज इट, एंड अब मैं फिर से आपको मिलूंगी कल। बाय बाय। Day 3 एंड सो प्रिटी क्लैम्ड अप। डार्क लिपस्टिक भी लगाई आज मैंने। आज हम वापस फर्स्ट डे वाली जगह जा रहे हैं कीर्ति नगर, बिकॉज वो थोड़ा फाइनलाइज मतलब एकदम टोटल वाला करना था एंड आगे का कुछ प्लान नहीं है। वी जस्ट टुक द रॉन्ग साइड एंड वी वर गोइंग ऑपोजिट वे, बट थोड़ा पढ़ने लिखने का फायदा ये था कि हमें एक ही बार में पता चल गया एक ही स्टेशन पे कि हम लोग गलत जा रहे हैं। सो वी जस्ट यू नो हम उतर गए एंड नाउ वी आर गोइंग टू द राइट साइड, आई होप सो। टुडे आई हैव टाइड अ बन, सो आई एम लाइक मूविंग लाइक फ्रीली। अब मैं रोज़ ऐसे ही सोच रही हूँ बन बना के निकल जाऊँगी। वैसे पॉसिबल नहीं है वेस्टर्न आउटफिट्स पे, बट इस पे बहुत सुंदर लग रहा है। ओके वी आर बैक एंड वी हैव डन अ लॉट ऑफ शॉपिंग, लाइक ऑलमोस्ट 99% इज डन। वी वेंट टू सदर एंड लिटरली द अमाउंट ऑफ छानबीन माई फादर हैज डन इट्स इमेंस। मतलब नहीं मिलती हम लोग को अगर हम डायरेक्ट चले जाते ना, अच्छा चीज़ें मिलती ना अच्छा रेट मिलता, कुछ नहीं मिलता। द अमाउंट ऑफ रिसर्च ही हैज डन, सो उसकी बदौलत वी हैव गॉट लाइक एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन नाउ। 2-3 days वील जस्ट यू नो बी चिल। हेलो जी, इट्स द 5th day एंड व्लॉगिंग का लास्ट डे है। व्लॉग कल से मैं नहीं करूँ, कल तो एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो शूट करने वाली हूँ मैं और बहुत लोग गेस कर भी लेंगे अगर मैं दिल्ली आई हूँ तो। तो आज व्लॉगिंग का लास्ट डे है एंड आज फाइनली हम काम वाम हमारे कल ख़त्म हो गए थे, नाउ वी हैव 2-3 days लेफ्ट। तो आज हम जा रहे हैं गुड़गांव घूमने,
वहाँ पे एक दो जगह हमने देखी हैं, प्लान करी हैं. सो लेट्स गो टुडे एंड इज एंड टुडे. मुझे क्या हो रहा है, टुडे इज एन इंटरेस्टिंग डे. आई एम वेयरिंग अ वेरी ब्यूटीफुल आउटफिट. इसका गेट रेडी विद मी आएगा धीरे धीरे बाद में. वेट फॉर इट एंड या नाउ लेट्स गो. वी हैव रीच्ड एट इफको, IFFCO चौक. यहाँ से अब हमें ऑटो ऑटो पकड़ के किंगडम ऑफ ड्रीम्स तक. After roaming all the markets, we know the prices and we are like shook here to see 10 times the price of the same thing, the same material, everything is same. बंद मॉल के बाद हम खुले मॉल में आ गए हैं. वी आर हेयर एट साइबर हब. इट वॉज लाइक 2 मिनट्स फ्रॉम द एम्बियंस मॉल. इट्स गुड, इट फील्स डिफरेंट. लुक एट द लेवाइस स्टोर. Finally we stopped somewhere हल्दीराम पे, बिकॉज हमें भूख लग गई थी और हम चल चल के भी थक गए थे. सो यार तब से हम चल ही रहे हैं, मॉल में भी चल रहे थे, यहाँ भी चल रहे हैं. बहुत बड़ा, बहुत बड़ा. This is the washroom. Wow! Not expected. Damn. This is the view from the second floor, but it's closed. And we have to go down. It's very tiny. Shuru hote hi khatam ho gaya. There's nothing here. Like it's just the beauty. That's it. And khana peena hai kuch. तो अलग बात है. इफ़ यू वॉन्ट हैव डिनर, हैव डिनर, यू कैन हैव इट. बाकी यहाँ पे देर इज नथिंग. दिस इज नाइस. लाइक सम डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांड्स आर हियर, मतलब जो नॉर्मली आपने नाम नहीं सुने होंगे या देखे होंगे. एंड द वे दे हैव प्रेजेंटेड. हेल्ला टायर्ड. आज तो बहुत लिटरली बेहोशी बेहोशी फील हो रही थी मैंने, क्योंकि पूरा दिन मेकअप लगाया है. इससे पहले मैंने एक भी दिन ऐसे प्रॉपर मेकअप नहीं किया था, थोड़ा बहुत ही किया था. आई एम वेरी टायर्ड एंड अब मेरे पास एडिट करने की भी हिम्मत नहीं है. तो मुझे कल वीडियो डालनी थी, बट वील सी मैं कल डाल पाती हूँ कि नहीं. कोशिश करूँगी अभी एडिट करने की. ओके सो I'll sign out now and I hope you enjoyed the vlog and saw Delhi through my eyes. And yeah, wait for the next video. It's also gonna be very interesting. So bye bye, subscribe kar dena.